हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ या आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल IS3 ऑफिशियल। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा डाली गई वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एवरेज किस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना एक्सेल ओपन कर लेते हैं। Folder view list FS Microsoft Excel book 1 sheet 1 table 1। हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है। तो आज जो हम फॉर्मूला करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो है एवरेज, औसत। कि हम किसी चीज का औसत कैसे निकालते हैं। किसी की मार्कशीट में होता है कि 5 सब्जेक्ट दिए हैं, उनका औसत की एवरेज मार्क्स इसमें कितने स्कोर किए, या एक शहर में 6 दिनों तक बारिश हुई तो औसतन कितने मिलीलीटर बारिश हुई, या 6 पारियों में या 7 पारियों में कितने किसी खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, उसका क्या औसत था। तो हम चलिए यही एग्जांपल ले लेते हैं। विराट कोहली ने 7 पारियों में कितने रन बनाए, तो हम लिखेंगे विराट LV IRAT. पहली पारी में इसने बनाए 50, इसमें बनाए 60, इसमें 0, इसमें 12, इसमें 125, और यहाँ छठी पारी में उसने बनाए ज्यादा नहीं बनाए 15 रन, हाँ बनाए 125। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने 7 सेलों में 7 संख्याएं लिखी। तो फ्रेंड्स, एवरेज का फॉर्मूला ये होता है, हम जितनी ऑल टोटल संख्याएं होती हैं उनको आपस में जोड़ते हैं, जितनी संख्याएं लिखी होती हैं और उनको उतने से ही डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ 7 संख्याएं थी हमने लिखी, या 7 पारियों का हमने टोटल लिखा, तो हमने 7ों को आपस में जोड़ना है, उसके बाद उसे 7 से डिवाइड कर देना है। तो इसे हम सिंपली एवरेज का फॉर्मूला से कर सकते हैं। D1 यहाँ हम एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल्स AVERAGE लेफ्ट पेरेन एवरेज लेफ्ट पेरेन A2 colon A2 colon A8 and enter A8 sheet 1 table B2 55.28571 as formula B1। तो ये हमारा आंसर आ गया। तब ये सही है या गलत, हम ये जानने के लिए चलते हैं A8 के नीचे, यानी कि A9 में। A9 यहाँ हम आ गए। तो अब हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाते हैं, कि हम देखना चाह रहे हैं ना कि ऑटो करेक्ट है या नहीं। इन्हें हम पहले आपस में जोड़ेंगे 7ों को। Edit equals SUM 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 left parent A 2 A 2 colon A 8 A 2 colon A 8 A 8 sheet 1 table A 10 387 as formula A 9 387 आ गया। अब हम इसे divide करेंगे 7 से। तो 7 से divide करने का एक shortcut formula ये होता है friends, कि जो जिस cell में हमने वो numbers लिख रखा है 387 as formula A 9 plus करके A 9 में लिख रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A 10 में equals A 9 A 9 slash यानी divide का sign A 9 slash 7 जितने समय divide करना है, तो हम enter कर देते हैं 7 sheet 1 table 11 55.28571 as formula A 10। देखिए यहाँ पे भी same आ गया ना 55.28571 as formula A 10। और हम वहाँ B1 में देखते हैं वहाँ क्या आया है 55.28571 as formula B1। यहाँ भी यही आया है 55.2871 something 55.28571 as formula B1 2857। तो फ्रेंड्स, एक बार और मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको करेक्ट करेक्शन हो जाएगी कैसे करते हैं। B2 में आए इक्वल्स AVERAGE एडिट इक्वल्स AVERAGE लेफ्ट पेरेंट एवरेज लेफ्ट पेरेंट A2 कोलन A2 कोलन A8 एंड A8 sheet 1 table B3 55.28571 as formula B2। तो ये आ गया। आपको पता ही कि ऑटोमेटिकली वो राइट पेरेंट लगा देता है, हमारा कंप्यूटर बहुत समझदार होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फॉर्मूला एवरेज का। उम्मीद करता हूँ कि आपको एवरेज का फॉर्मूला समझ में आया हो। तो अगली बार हम आपके सामने हाजिर होंगे एवरेज इफ का फॉर्मूला लेके। और जाते जाते ये भी बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, एवरेज और सम दोनों ही लगभग एक जैसी चीज़ें हैं। एवरेज और सम बिल्कुल देखते हैं ना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल लगभग मैच हो रहा है इनका। बस एवरेज में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है कि इसमें डिवाइड भी करना पड़ता है, और जिस तरह जैसे सम इफ होता है वैसे ही एवरेज इफ भी होता है। तो हम अगली वीडियो में एवरेज इफ के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे हम लेते हैं अलविदा।
अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और कीजिए कमेंट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।